हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक कैसे हैं आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे तो आज मैं सोच रही थी वीकेंड है तो मैं अपनी फैमिली को ना आज सरप्राइज़ देने वाली हूँ तो किसी को भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या हूँ बट मैं आज अपनी फैमिली के लिए ना काफ़ी दिनों बाद जो है कुकिंग करने लगी हूँ तो सबसे पहले जो है मैंने मैरिनेशन की है, चिकन की सॉसे में मैंने चिली सॉस सोया सॉस ऑयस्टर सॉस और पेरी पेरी सॉस डाला है और सॉल्ट मैंने थोड़ा सा डाला क्योंकि सॉसेज़ में भी सॉल्ट होता है और फिर उसके अलावा जो है चिली फ्लेक्स मैंने डाले हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले मैंने क्योंकि हरी मिर्च जो है पीस के इसमें डालनी थी साथ साथ मैं आपको रिव्यू देती हूँ मैंने ये, ये गैजेट जो है दराज से ऑर्डर किया था और ये बहुत ज़्यादा बकवास निकला क्योंकि इसमें जो है मैंने हरी मिर्चें डाल के काफ़ी देर मैंने टाइम वेस्ट किया था इस पर कि इसमें हरी मिर्चें पिस जाए नहीं पिसें भी मैंने मैनअली हरी मिर्चों को पीसा था और फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी डाली थी हरी मिर्चें और एक टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसन का पेस्ट डाला था और चार जो थे छोटे छोटे मेरे पास लेमन थे मैंने उनको स्क्वीज करके डाला था और उसको अच्छे से मिक्स करके जो है मैरिनेशन को मैंने दो से तीन घंटे के लिए रख दिया था जितनी देर मैं बाकी काम करने वाली थी उतनी देर जो है मैंने मैरिनेशन को रख देना था इसलिए मैंने मैरिनेशन जो है सबसे पहले ही कर ली थी ये तो हम सब भी जानते हैं कि मैरिनेशन को जितनी ज्यादा देर हम रखेंगे ना उसका टेस्ट उतना ही अच्छा निकलेगा तो बस इसीलिए जो है मैंने भी मैरिनेशन को सबसे पहले करके रख दिया था और साथ में मैं बनाने वाली हूँ ड्राई केक ड्राई केक मैंने आज सोचा था कि मैं अवन में नहीं मैंने आज इसको जो है पैन में कुक करके देखना था क्योंकि मैंने कभी पैन में कुक किया नहीं तो इसलिए मैंने सोचा था कि हमेशा अवन में ही बनाया तो इसलिए मैंने कहा कि आज जो है मैं ना पैन में भी बना के देखती हूँ आना चाहिए ना प्रैक्टिस होनी चाहिए हर चीज़ की तो इसलिए मैंने सोचा इस तरह कर लेती हूँ तीन खैर मैंने अंडे ले लिए थे और एक कप शुगर लेकर मैंने उसको पाउडर बना लिया था और एक टीस्पून मैंने इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करके फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था ब्लेंड इतना करना है कि फोमी सा जो है ना बन जाए और एक टी मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करके फिर इसमें मैंने ना तीन टी जो है दही ऐड की थी या दो टेबल भी हम इसमें दही ऐड कर सकते हैं दही जो है सॉफ्ट करने के लिए होती है केक को और हाफ कप जो है मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था और मैंने इसके बाद इसको फिर से ब्लेंड किया था ब्लेंड मैं इसलिए ज्यादा करी थी ताकि ना फॉर्म सा ज्यादा बन जाए अब आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं हाँ मैं अंडर स्कोर मोइन मेरा यूजर नेम है तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लेना अच्छा खैर जी यहाँ पर मैंने ना ये मुझे एक सॉफ्ट डो करने के लिए ना एक पाउडर मिला था तो जो भी हम ब्रेड वगैरह अगर कुक कर रहे हैं केक वगैरह बना रहे हैं तो उसकी डो को सॉफ्ट करने के लिए मुझे मिला था ये मैंने दो टी स्पून इस मैंने ऐड किए हैं और जो है एक कप मैंने इसमें मैदा ऐड किया था और उसके बाद मैंने ब्लेंड किया था ब्लेंड करके मैंने एक सॉफ्ट सा जो, जो है ना मिक्सचर बना लिया था बहुत ही सॉफ्ट सा करके एक मिक्सचर रेडी कर लिया था और फिर उसके बाद जो है पैन में मैंने बहुत ही अच्छे से ना बटर लगाना मेरे असल में ना इसके नीचे जो है शीट लगती है बटर पेपर की शीट लगती है तो मेरे पास थी नहीं ख़त्म हुई हुई थी और फिर मैंने जो है इसमें खाली जो है ना पैन को मैंने अच्छे से बटर लगाया था कि मेरा केक चिपक ना जाए तो ज़्यादा थोड़ा सा लगा लिया था बटर मैंने और फिर उसके बाद जो मैंने नट्स वग़ैरह क्रश किए थे बादाम मैंने इसमें डाले थे बादाम क्रश करके मैंने नीचे लेयर लगा दी थी और उसके बाद ये सारा जो मटेरियल है ना मैंने पैन में डाल दिया था और फिर जो है सॉरी यहाँ पर गाइज मैं ना शॉर्ट लेना भूल गई थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी में लगी हुई थी कामों में तो बेसिकली मैंने क्या किया था एक पैन में मैंने पानी लिया था स्टैंड रखा था उसके ऊपर मैंने अपना ये जो बैटर था ना ये रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया था कि कहीं से स्टीम निकले ना स्टीम अंदर ही रहे और फिर मैंने इसको जो है 45 मिनट्स के लिए कुक किया था 45 मिनट में मेरा केक बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया था पैन को ग्रीस करके जो हमने मैरिनेट किया था चिकन मैंने उसको पकने रख दिया था और मैं कर रही थी खुशी खुशी से ना सरप्राइज़ तैयार अपनी फैमिली के लिए और मेरा सारा सरप्राइज़ हो गया था ख़राब सब उठ के जो है किचन में आ गए थे और फिर मैंने कहा अब जब आ ही गए हो ना किचन में तो फिर अब लग जाओ सभी काम पर तो ये मैंने अपनी भाभी को बोला मैंने कहा जल्दी से मैं आपको रेसिपी बताती हूँ आप ना सैंडविच की सॉस तैयार कर लें फिर उन्होंने सॉस तैयार की सॉस में मैंने मायोनीस डलवाई थी थोड़ी सी जो है चिली गार्लिक सॉस ऐड करवाई थी और मस्टर्ड सॉस मैंने इसमें खुद से बाद में ऐड की थी वो भूल गई थी ऐड करना साथ में थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें तो बहुत ही ना मज़ेदार सी ये सॉस बनती है सैंडविचेस के लिए और साथ में मैं बना रही थी रशियन सैलड तो फिर मैंने उसकी सॉस तैयार कर ली उसकी सॉस में मैंने एक कप जो है मायोनीस ली थी और एक छोटा पैकेट जो क्रीम का होता है वो ऐड कर दिया था और साथ में मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट ब्लैक पेपर और जो है ट्वेल्व टी स्पून जो होते हैं ना बारह टी स्पून जो है मैंने इसमें चीनी ऐड किया था तो, फिर मैंने इसको अच्छे से जो है बीट कर लिया था मिक्स कर लिया था और सॉस मेरी रेडी हो चुकी थी फ्रूट्स uh, मैंने कट करवा लिए थे और एक मैंने इसमें टिन ऐड किया था टिन में काफ़ी बड़े बड़े चंक्स थे तो उन चंक्स को जो है ना मैंने कट कर लिया था मैंने इसमें मैक ऐड करनी थी लेकिन मेकरोनी जो है मेरे पास ख़त्म हुई हुई थी और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था पास्ता सब टाइप जो होता है वो पास्ता मैंने इसमें ऐड कर लिया था तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेम ही चीज़ होती है बस उसका जो है ना डिज़ाइन डिफरेंट होता है तो मैंने पास्ता ऐड किया था पास्ते के साथ मैंने इसमें चिकन जो है बॉईल करके क्रश कर लिया था वो भी ऐड किया था ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स करके ऐड कर ली थी और साथ में मैंने समोसे बनाए थे जिसका वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मैंने काम किया था तो कुछ चीज़ों के ले लिए और कुछ के मैं लेना ही भूल गई तो उसके लिए मैंने आलू बॉयल किए थे तो उसमें से दो आलू ले मैंने इसमें कट करक करके डाल दिए थे और मेरी रशियन सैलेड रेडी हो गई थी जितनी देर में मैंने रशियन सेलड रेडी की थी उतनी देर में जो है मेरा चिकन रेडी हो चुका था फिर चिकन को जो है ना मैंने छुरी से क्रश कर लिया था उसको मैंने छोटे छोटे जो है पीस कट कर, कर लिए थे और फिर उसके बाद जो है मैंने भाभी को कहा था आप मुझे फिल करके देती रहे मैं साथ साथ जो है इसको सैंडविच मेकर में लगाती रहूंगी और ताकि ना मैं बाकी चीज़ें जो है साथ साथ देख लूँगी फिर मैंने साथ में उनको चीज़ भी कट कर करके दे दी थी फिर उन्होंने इसको सॉस की लेयर लगाई ऊपर चिकन डाला और चिकन के बाद जो है इसके ऊपर चीज़ रखी वेजिटेबल्स और जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो सैंडविच में वो आप डाल सकते 45 भी हो गए हैं और केक मेरा रेडी हो चुका हुआ केक के लिए मैंने बदाम जो है क्रश कर लिए थे और देखिए मेरा कितना मजेदार सा केक जो है रेडी हो चुका हुआ है क्रश किए हुए मैंने इसके ऊपर डालिए थे सिरप मैंने रेडी किया था सिरप में मैंने शुगर और थोड़ा सा लेमन डाल के सिरप रेडी कर लिया था और सिरप मैंने इसके ऊपर डाल दिया था तो अब हम अंदर चलते हैं ले जाते हैं चीज़ें सबके लिए तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना